चलिए आगे बढ़ते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश भर में यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में आमेर में तिरंगा रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि आमेर में 70 किलोमीटर की वाहन रैली का तिरंगा यात्रा का यहां पर आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो इस रैली में शामिल हुए हैं। जयपुर से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये रैली निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ सकते हैं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं। आमेर में आपको बता दें कि 70 किलोमीटर की ये रैली का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है और बीजेपी की तरफ से लगातार अभियान को लेकर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं। लोगों को ऐसे पूरे अभियान के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसके साथ ही लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं की कतार पीछे काफी दूर तक दिख रही है, जोश खासा है? तिरंगे के लिए जोश स्वाभाविक है और वो भी जब तिरंगे का नेतृत्व करने वाला मजबूत देश का प्रधानमंत्री हो, उनके आह्वान पर 15 अगस्त को देश के 20 करोड़ छतों पर तिरंगे होंगे। और तिरंगे से, क्योंकि तिरंगे की कहानी नौजवानों के लहू से जुड़ी है और उस पर आज की पीढ़ी को तिरंगे के प्रति जो आसक्ति है, जो अनुराग है, वो उस रूप में साफ तौर पर दिखता है कि भारत का तिरंगा हमारी शान है। देशभक्ति को प्रकट करने का ये सबसे अनूठा तरीका है। कांग्रेस भी आज़ादी की गौरव की पदयात्रा निकाल रही है, क्या इसको अलग रूप में देखा जाए उनकी ये पदयात्रा? नहीं, कांग्रेस को निकालनी होती तो 75 वर्ष निकाल दिए, कब की निकाल चुकी होती। कांग्रेस का आज़ादी से, तिरंगे से, संविधान से कोई सरोकार नहीं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने विधानसभा क्षेत्र से इस यात्रा का आगाज कर चुके हैं और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी तरह की यात्राएं निकाली जाएंगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ शशि कौर, जी मीडिया, जयपुर। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उनसे बात करते हैं। अरुण सिंह जी, आज आमेर में भी आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बहुत अधिक उत्साह है। जब हाथ में तिरंगा लेता है तो उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। वो देशभक्ति के अपने नारे लगा करके, देखिए आप यहाँ पे आमेर में देखा होगा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने वह तिरंगा यात्रा, तिरंगा हाथ में लेकर के, राष्ट्रध्वज लेकर के यात्रा पे निकले। जो सुमंग देखिए, अद्भुत। देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिज्ञा, देश की एकता अखंडता के लिए संकल्प लेने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देशवासी मना रहे हैं और यह तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान भी उसी के अंतर्गत है। 3 साल हो गए जब देश में एक ही निशान हो गया है, अब तो कश्मीर में भी तिरंगा ही फहरता है। लाल चौक पर एक बार तिरंगा फहराने का उत्साह हुआ करता था लोगों में, अब तो बहुत रूटीन चीज हो गई, अब तो ये पूरे देखिए वहाँ पे हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर जोशी भी लाल किला पे जाकर तिरंगा फहराने का काम किए। स्वयं प्रधानमंत्री जी उस समय, नरेंद्र मोदी जी उस समय वहाँ पे गए, इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लिया और पूरे देशवासियों की यही इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। विपक्ष के लोग कहते थे, जम्मू कश्मीर के नेता कहते थे कि अगर इसकी 370 की बात करो तो बात करने से खून खराब होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा, 5 मिनट के अंदर 370 धारा जो को उठा करके फेंक दिया और समाप्त कर दिया। ये ऐतिहासिक कार्य होता है, ऐसे सरकार पर सभी देशवासियों को गर्व है। आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सभी नियम कानून वहाँ पर लागू होते हैं और वहाँ की भी जनता वहाँ पे बहुत बड़ा विकास का भी काम देख रही है, बहुत विकास हो रहा है। धन्यवाद। तो ये थे अरुण सिंह जो कह रहे थे कि तिरंगा यात्रा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और देश में एकजुटता का संचार हुआ। कैमरा पर्सन पवन के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।